बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम के इंसान के अंदर खून के जो मुख्तलिफ ग्रुप पाए जाते हैं उनमें डिफरेंस क्यों हैं और वो मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसके मुतालिक आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम अगर ब्लड को देखें तो ब्लड हमारे पास दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक पार्ट को हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा और दूसरा जो हमारे पास पार्ट होता है उस पार्ट को हम कहते हैं ब्लड सेल्स। यानी दो पार्ट्स में से एक पार्ट का नाम है हमारे पास प्लाज्मा और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं सेल्स। अब ये दो पार्ट्स में जो परसेंटेज होता है, यहाँ पे प्लाज्मा का परसेंटेज जो है वो 55% प्लाज्मा होता है और 45% जो है वो ब्लड सेल्स होते हैं। यहाँ पे ब्लड में सेल्स को अगर हम देखें तो हमारे पास सेल्स जो है वो तीन किस्म के होते हैं। एक जो सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, दूसरे हमारे पास होते हैं प्लेटलेट्स और तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये हमारे पास है वाइट ब्लड सेल्स, इसी तरीके से ये हमारे पास जो है ये है प्लेटलेट्स और हमारे पास ये तीसरे नंबर पर आ जाते हैं जो कि हमारे पास है आरबीसीज। यानी ये जो छोटे छोटे हैं ये हमारे पास रेड कलर के आरबीसीज आ गए, तीन किस्म के आ गए आरबीसीज। ये दूसरे नंबर पर हमारे पास ये जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। सपोज ये हमारे पास जो है प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स, और ये वाले जो सेल्स हैं ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। अब यहाँ पे हमारे पास खून के जो खुलिये हैं वो तीन किस्म के हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम लिक्योसाइट भी कहते हैं, प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं और रेड ब्लड सेल्स जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अब ये तीन किस्म के खुलिये जो हैं इनमें जो हमारा मेन फोकस होगा वो आरबीसीज होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप सिस्टम के साथ जो रिलेटेड खुलिये हैं वो हमारे पास आरबीसीज हैं। तो हम आरबीसीज को अगर देखें तो आरबीसीज के जो सेल सरफेस हैं इस सेल सरफेस के ऊपर खास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और वो ग्लाइकोप्रोटीन जो सेल सरफेस के ऊपर होते हैं वो एंटीजन कहलाते हैं। तो ये एक आरबीसी में ड्रा कर रहा हूँ, ये एक आरबीसी है और इस आरबीसी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन है। अब जो प्रोटीन्स हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। अब ये जो हमें सेल सरफेस के ऊपर नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं एंटीजन। अब आरबीसीज के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन्स के लिहाज से हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो बनता है। अब एंटीजन्स की तरफ हम आते हैं कि आया एंटीजन क्या है, तो एंटीजन को अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि हर वो चीज, हर वो मॉलिक्यूल जो जिस्म के अंदर जाता है और जिस्म जो है अगेंस्ट उसके खिलाफ जो है इम्यूनिटी पैदा करता है उसको हम कहते हैं एंटीजन। यानी एंटीजन हर वो पार्टिकल, हर वो जरा, हर वो मॉलिक्यूल जिसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कुव्वत मुदाफियत पैदा करे उसको हम कहते हैं एंटीजन्स। अब एंटीजन्स में दो किस्म के एंटीजन्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सेल्फ एंटीजन और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन। यानी एंटीजन all those chemical substances which stimulate, all those chemical substances which stimulate our immunity system, all those substances
which stimulate our immunity system to produce antibodies against them. यानी वो तमाम केमिकल चीजें जो फॉरन होती हैं जिस्म के अंदर जाती हैं या इंटरनल भी हो सकती हैं, लेकिन आगे हम उसकी टॉपिक्स में पढ़ेंगे. जब वो जिस्म के अंदर जाती हैं तो वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इंड्यूस कराता है, यानी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्टिमुलेट कराता है, उसको हसास कराता है, उसको जो है वो जगाता है कि वो उनके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बनाए. अब जब उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं तो वो एंटीजन जो है वो एंटीबॉडीज की स्पेसिफिक साइट के साथ अटैच होके उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी एंटीजन जो है उस एंटीबॉडी उसको जो है वो खत्म कर देता है. अब ये सब्सटेंसेस जो हैं ये टॉक्सिन्स होते हैं, यानी फॉरेन जो सब्सटेंसेस होते हैं ये टॉक्सिन्स होते हैं. अब एंटीजन होते कहाँ पे हैं? तो ये जो एंटीजन पाए जाते हैं ये हर एक खुलिये जिस्म के जितने भी खुलिये हैं उनके सेल सरफेस के ऊपर हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन या इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स में भी हो सकते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर हो सकते हैं, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं. ये एंटीजन जो है प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ग्लाइको प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा ये जो है यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में भी हो सकते हैं. इसके अलावा ये लिपिड्स में भी हो सकते हैं. अब यहाँ पे ये हमारे पास मुख्तलिफ हालतों में पाए जाते हैं, या प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्म में ये एंटीजन जो है सेल सर्फेस के ऊपर पाए जाते हैं. अब कौन से सेलों के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं? बॉडी की जो सेल्स हैं उनके सेल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं. अब ये जो एंटीजन्स हैं उनकी आगे हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि हमारे पास एंटीजन दो किस्म के हैं. अब एक एंटीजन वो होते हैं जो जिस्म के अंदर होते हैं, जो सपोज एक लिविंग मेरी अपनी बॉडी है, मेरे जितने भी एंटीजन मेरे सेल्स के ऊपर जो पाए जाते हैं वो मेरे बॉडी के सेल्फ एंटीजन कहलाएंगे. और जब कभी भी बाहर से कोई भी एंटीजन कोई भी सेल में बाहर से लूंगा या कोई भी पार्टिकल जो है केमिकल में बाहर से लूंगा वो फॉरन एंटीजन जो है नॉन सेल्फ एंटीजन जो है वो कहलाएगा. तो एंटीजन हमारे पास दो किस्म के हैं. एंटीजन्स टाइप्स हम कहते हैं कि दो किस्म के हैं. पहला जो एंटीजन है उसको हम कहते हैं सेल्फ एंटीजन्स, और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन्स. यानी एंटीजन्स में दो कैटेगरी, सेल्फ एंटीजन वो एंटीजन्स हैं जो कि किसी भी लिविंग थिंग्स के बॉडी के खुलियों के ऊपर खुद मौजूद होते हैं उनको कहते हैं सेल्फ एंटीजन, और जो फॉरेन से आते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म से आते हैं उनको हम कहते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन. अब यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर दो किस्म के एंटीजन हो सकते हैं. अब वो दो एंटीजन कौन से हैं उनकी तरफ हम आते हैं कि उन एंटीजन्स की वजह से. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन, तो सेल्फ एंटीजन जो है इनके खिलाफ हमारे टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम जो है इनके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनाता, क्योंकि जो सेल्फ एंटीजन होते हैं वो बॉडी उनको अपना समझते हैं, उनके खिलाफ रेजिस्टेंस जो है इम्यूनिटी सिस्टम नहीं शो करता. लेकिन जब नॉन सेल्फ एंटीजन आते हैं तो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं, जबकि सेल्फ एंटीजन जो है उनके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनती. इसलिए जो सेल्फ एंटीजन हैं वो जिस्म के अंदर रहते हैं और वो खराब नहीं होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, जबकि नॉन सेल्फ एंटीजन जब बाहर से कोई भी एंटीजन आता है तो उसके खिलाफ जो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो रेजिस्टेंस शो करता है और उसके किल कर देता है. इसी तरीके से जब हम कोई भी ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट करते हैं या लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, या दूसरा कोई भी पार्ट जो है गोश्त जो है वो ट्रांसप्लांट करते हैं किसी भी फ्रैक्चर पार्ट्स में या जो जख्म होता है कोई कहीं ना कहीं पे,
तो अब उसमें यहाँ पे ये एंटीजन जो है वो सेल के ऊपर देके जाते हैं। अब अगर बास ऑर्गन्स बास स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एंटीजन जो है वो उस बॉडी के जिसको आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसके बॉडी के एंटीजन से डिफरेंट होते हैं, तो वो ऑर्गन वहाँ पे जो है पैर आप नहीं लगा सकते, वहाँ पे उसकी ट्रांसप्लांटेशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो एंटीजन हैं उनके खिलाफ जो है इम्यूनिटी सिस्टम बन जाता है। कोई भी फॉरेन किडनी, दूसरे बंदे से आप किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, अब उस किडनी के ऊपर जो उसके जो सेल्स हैं उसके ऊपर जो एंटीजन मौजूद हैं, अगर वो एंटीजन मैच नहीं करते हैं, जो रिसिपिएंट हैं यानी जिसको आप किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसके एंटीजन्स के साथ, तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम उस किडनी के जो डोनर किडनी है उसके एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगा, और जब एंटीबॉडीज बन जाएंगे तो वो सेल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इस वजह से हम इंटीजेंस जो है उसको बहुत क्रेडिट देते हैं, यानी जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। इसी तरीके से जब हम ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करते हैं, यानी ब्लड जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे को देते हैं, तो वहाँ पे भी हम इंटीजेंस का बेहद ख्याल रखते हैं कि अगर एक बंदे का इंटीजन जो है वो दूसरे बंदे के इंटीजन से डिफरेंट है, जब वो दूसरे बंदे को ब्लड ट्रांसफ्यूज करेगा तो वो खून जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगे और उस खून को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो एंटीजेंस हैं उसकी तरफ जाते हैं, तो हमारे पास जो आरबीसीज हैं रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके ऊपर दो किस्म के एंटीजेंस मौजूद होते हैं। एंटीजेंस में से हमारे पास एक एंटीजन का नाम है ए, दूसरा जो एंटीजन है उसका नाम है बी। अब ये दोनों एंटीजन जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर्स होते हैं, और आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, और इन एंटीजेंस के लिहाज से हमने ब्लड ग्रुप सिस्टम बनाया है जिसमें हमारे पास चार ब्लड ग्रुप आ जाते हैं। अब ये एंटीजन ए है, दूसरा है एंटीजन बी। अब बास केसेस में बास सेल्स ऐसे हैं जिनमें दोनों होते हैं, ए भी होता है और बी भी होता है, तो ये तीसरा नंबर पर हमारे पास दोनों का एग्रीगेट जो है वहाँ पे भी, यानी दोनों एक सेल के ऊपर दोनों भी पाए जाते हैं, और ऐसा सेल्स भी होता है जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो उसको हम ओ कहते हैं। अब एंटीजन्स के लिहाज से यानी ए और बी मेन दो एंटीजन्स हैं, इसके लिहाज से हमारे पास ये चार ग्रुप बन गए। एक जिस ब्लड के ऊपर जिस आरबीसी के ऊपर जो है इंटीजर ए होगा, सपोज ये आरबीसी है इसके ऊपर ए है, तो हमारे पास ये ब्लड ग्रुप जो होगा इसको हम कहेंगे ए ग्रुप। इसी तरीके से जिस ब्लड के ऊपर आरबीसी के ऊपर हमारे पास ये आरबीसी है इसके ऊपर इंटीजर बी मौजूद है, तो ये जो ब्लड ग्रुप हमारे पास होगा ये ब्लड ग्रुप बी होगा, ये ए ग्रुप होगा, ये हमारे पास बी ग्रुप होगा। अब एक सेल है आरबीसी जिसके ऊपर ये दोनों मौजूद हैं, यानी दोनों टाइप ऑफ एंटीजन जो है वो मौजूद हैं, ये एक आरबीसी है इसके ऊपर दोनों मौजूद हैं, ए भी मौजूद है प्लस बी भी मौजूद है, तो इस तरह का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ग्रुप हमारे पास कहलाएगा ए बी ग्रुप। इसी तरीके से जिसके ऊपर कोई इंटीजन नहीं होगा तो वो जो ग्रुप हमारे पास आएगा वो हमारे पास यानी ये जो हमारे पास है ओ ग्रुप, और ओ के ऊपर किसी किस्म का इंटीजन जो है वो नहीं होगा, यानी इसके ऊपर किसी किस्म का एंटीजन नहीं है, तो इसलिए इस तरह के ग्रुप को हम ओ ग्रुप कहेंगे, इस तरह का ब्लड जो होगा उसको हम कहेंगे ओ ग्रुप। अगर हम देखें तो एंटीजेंस के लिहाज से हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है वो चार बन जाते हैं, एक ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, और चौथा जो है वो ओ। फिर एक और फैक्टर होता है जिसको हम आर एच फैक्टर कहते हैं। आर एच फैक्टर अगर होगा, वो आर एच फैक्टर एक और अलहदा प्रोटीन है, अलहदा फैक्टर है। अब वो आरबीसी के ऊपर ए के ऊपर हो भी सकता है या एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा।
अगर वो प्रोटीन सपोज उस प्रोटीन को मैं शो करता हूँ ये ग्रीन कलर का प्रोटीन मौजूद है, तो जब मौजूद होगा तो ये पॉजिटिव होगा यानी ए पॉजिटिव कहलाएगा। और अगर ये वाला ग्रीन प्रोटीन जो कि आरएच फैक्टर है वो एब्सेंट होगा, अगर वो एब्सेंट होगा तो ये कहलाएगा ए नेगेटिव। इसी तरीके से इसके ऊपर ये अगर आरएच फैक्टर जो है ये मौजूद होगा तो वो ग्रुप कहलाएगा बी पॉजिटिव, और अगर एब्सेंट होगा तो कहलाएगा ए बी नेगेटिव। इसी तरीके से इनके ऊपर भी आरएच फैक्टर अगर मौजूद होगा तो ये कहलाएगा ए बी पॉजिटिव, और आरएच फैक्टर अगर एब्सेंट होगा तो ये कहलाएगा ए बी नेगेटिव। इसी तरीके से ओ के ऊपर ये आरएच फैक्टर ये प्रोटीन अगर मौजूद होगा, ये दूसरा फैक्टर है, ये फैक्टर अगर मौजूद होगा तो ये कहलाएगा ओ पॉजिटिव, और अगर ये फैक्टर एब्सेंट होगा तो कहलाएगा ओ नेगेटिव। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास कुल 8 ग्रुप बन जाते हैं, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। लेकिन जो एंटीजन्स के लिहाज से हैं हमारे पास वो 4 ग्रुप बन जाते हैं, फिर उन चारों को आरएच फैक्टर की निस्बत से हम देखें तो वो टोटल हमारे पास 8 ग्रुप बन जाते हैं। अब यहां पे अगला जो क्वेश्चन होता है कि कौन सा, अब इन चार पास इन चार ग्रुप में से ग्रुप नंबर 1 जो है आरबीसी नंबर 1 जो है यानी ए ग्रुप जो है, ए ग्रुप एंटीबॉडीज ए के अलावा यानी ए एंटीबॉडी इसमें नहीं बनेगा, इसके अलावा बाकी कोई भी एंटीजन बी अगर जाएगा बाहर से तो उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बनेगा, इसके अलावा कोई और एंटीजन जाएगा तो उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बनेगा और उसको खराब करेगा, लेकिन ये वाला एंटीबॉडी नहीं बनेगा। इसी तरीके से बी के अंदर भी एंटीबॉडी बी जो है वो नहीं बनेगा, बाकी कोई भी फॉरन ए आएगा कोई और आएगा तो उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडी बनेगी। इसी तरीके से जो ए बी है, ए बी में कोई एंटीबॉडी ना एंटीबॉडी ए बनेगा और ना जो है यानी एंटीबॉडी ए और बी दोनों जो है ये एब्सेंट होंगे यानी एब्सेंट होंगे, इसमें जो है एंटीबॉडी जो है बी है वो एब्सेंट होगा यानी वो नहीं बनेगा। इसके अलावा जो है अगर कोई और सेल आएगा तो उसके खिलाफ एंटी जो है ब्लड के बाहर कोई भी सेल आएगा तो उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बनेंगे उसके ऊपर जितना एंटीजन होंगे। अब ओ जो है इसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज ए और बी दोनों जो है वो प्रेजेंट होंगे, दोनों बनेंगे। क्यों दोनों बनेंगे? क्योंकि ओ जो ग्रुप है उसके ऊपर कोई भी सेल्फ एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, इस वजह से इसके लिए ए भी फॉरेन एंटीजन होगा बी भी फॉरेन एंटीजन होगा, और जब फॉरेन एंटीजन आएगा तो इसके खिलाफ ये जो है अब एंटीबॉडीज बनाएगा और उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि अब कौन सा ग्रुप जो है वो कौन से ग्रुप को ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ए जो है मेनली अगर हम देखें तो ए के ऊपर एंटीजन ए है, और एंटीजन ए के अलावा अगर कोई और एंटीजन जाएगा उसके खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस शो करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे एंटीबॉडीज को हम देखकर और एंटीजन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो तो एक ए ग्रुप से जो है खून ले सकता है, इसके अलावा दूसरा वो जो है खून ले सकता है ऐसे सेल से ऐसे ब्लड डोनर से जो कि कोई एंटीजन नहीं रखता हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो ये ए जो है दूसरा ले सकता है ओ ग्रुप से। इसी तरीके से अगर बी को हम देखें तो ये खून ले सकता है बी ग्रुप से, और इसके अलावा ये खून ले सकता है ऐसे ग्रुप से जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन ना हो, तो दूसरा जो ग्रुप है वो ओ है, तो ओ के ऊपर कोई
इंटीजन नहीं है। अब बी से क्यों ले सकता है? क्योंकि बी के ऊपर जो है बी इंटीजन है, और जो बी डोनर होगा उसके ऊपर भी बी इंटीजन होगा, और इसके लिए सेल्फ इंटीजन होगा। ए के ऊपर इंटीजन ए है, और जब वो ए से लेगा खून तो उसके लिए ए इंटीजन सेल्फ इंटीजन होगा। इसी तरीके से ए बी को अगर हम देखें तो ए बी जो है उसके अंदर हमारे पास दोनों एंटीबॉडीज, यानी ए और बी जो है इंटीजन ए और बी दोनों उसके सेल्फ इंटीजन है, तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों नहीं बनेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ये ए से भी खून ले सकता है, ये बी से भी खून ले सकता है, ये ए बी से भी खून ले सकता है, और ये ओ से भी खून ले सकता है। क्यों? क्योंकि ओ के ऊपर तो किसी किस्म का एंटीजन नहीं है, और इसके अलावा ए के ऊपर एंटीजन ए है लेकिन ए एंटीबॉडीज इनके अंदर नहीं बनेंगे। इसी तरीके से बी के ऊपर एंटीजन बी है लेकिन उसके अगेंस्ट ए बी में जो है एंटीबॉडीज बी नहीं बनेगा, तो इसलिए ये इन दोनों से ले सकता है, और खुद इसके एंटीजन जो है ए बी है और एंटीबॉडीज इसमें कोई नहीं बनता, तो इसलिए ये खुद अपने आप से भी खून जो है वो ले सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट हमने जहन में याद रखना होगा कि हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव को खून जो है वो डोनेट कर सकता है, और नेगेटिव जो है वो नेगेटिव। अगर ये ए पॉजिटिव है तो ये ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव से ले सकता है, अगर नेगेटिव है तो ये ए नेगेटिव ओ नेगेटिव से ले सकता है, अगर ये नेगेटिव है तो दोनों केसेस में ये नेगेटिव से खून लेगा, अगर पॉजिटिव है तो दोनों केसेस में ये इन दोनों पॉजिटिव से। इसी तरीके से इसका भी यही फिनोमिना है, इसका भी यही फिनोमिना है। अब यहाँ पे कैसा जाता है ओ का, तो ओ को अगर हम देखें तो ओ जो है उसके ऊपर कोई इंटीजन नहीं है। अब ओ के लिए अगर ए आएगा तो उसके लिए फॉरेन इंटीजन, बी आएगा उसके लिए फॉरेन इंटीजन, ए बी आएगा तो फॉरेन इंटीजन, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ओ ही जो है वो खून दे सकता है, क्योंकि ओ के ऊपर किसी किस्म का इंटीजन नहीं है, और जब ओ जो